मित्रों, हमारे शरीर में किसी भी बीमारी का जड़ होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना। आज देख रहे हैं कि जितनी भी बीमारियां, आप किसी भी तरह का वायरस हो, मलेरिया, डेंगू या सफ़ेद दाग वाइट पैचेस, या किसी भी तरह की आपके शरीर में कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले बात है कि ये पेट से शुरू होती है और उसके बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो है, आपकी इम्यूनिटी पावर अगर कमज़ोर होगी तो आपको बीमारियां बहुत जल्दी से लगेंगी और उसके बाद आप जो दवाइयां लेंगे वो भी फ़ायदा बहुत कम करती हैं, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो कमज़ोर होगी, तो जो आप दवाइयां लेंगे, जो खाना खाएंगे, वो भी लगेगा नहीं सही से। तो दोस्तों, हमें सबसे ये ज़रूरी बात है, इसको समझना होगा और अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखना है। योग प्राणायाम होते हैं, उस पर वीडियो मैंने बनाया है, ज़रूर देखें। और मैं कुछ आपको बहुत बेहतरीन एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ जिसको आप करके अपनी इम्यूनिटी पावर को बहुत मजबूत और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के सारे लिंक इस नीचे दे देता हूँ, वो आप देख लिया करिएगा। मैं सारे लिंक दे दूँगा वीडियो को, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए क्या करना है, उसको मैं घरेलू तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका, आपको दिन में 3 बार करना है ऐसा। आपकी इम्यूनिटी पावर 1 महीने में ही इतनी मजबूत हो जाएगी, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपकी जो भी बीमारी होगी वो बहुत जल्दी रिकवर होगी, बहुत तेज़ी से रिकवर होगी। आपको दोस्तों तुलसी की 4 पत्ती लेनी है, पुदीना की 4 पत्ती लेनी है और जीरा लेना है आपको आधा चम्मच। अब इसको दोस्तों गर्म करना है, इनको 1 गिलास पानी में, जब आधा गिलास पानी रह जाए तब इसको दोस्तों गुनगुना पानी पी लेना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। आपको तुलसी की 4 पत्ती, पुदीने की 4 पत्ती और जीरा लेना है आधा चम्मच। इसको 1 गिलास पानी में गर्म करना है और जब ये आधा कप रह जाए, आधा गिलास, उसके बाद इसको दोस्तों पीना है चाय की तरह। 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी लीजिएगा दोस्तों, 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 गिलास पानी लीजिएगा और जब आधा कप बच जाए तब इसको पीना है। सुबह आप दोस्तों पीजिए खाली पेट, दोपहर में पीजिए और शाम को पीजिए। ऐसा 3 बार अगर आप करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी और आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको जो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही वो भी दवाइयाँ फ़ायदा होने लग जाएंगी और आपको जल्दी जल्दी बीमारियाँ जो लग जाती हैं वो बीमारियाँ भी आपको नहीं लगेंगी। दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन हमारी दादी नानी का नुस्खा है जो हम लोग पहले पूर्वज करते थे। आज की डेट में हम लोग मॉडर्ननेस के चक्कर में हम सब भूले जा रहे हैं कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, इसलिए हम अपने स्वास्थ्य के लेकर बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों, पहला सुख ही है कि निरोगी काया। अगर आपकी काया ही निरोगी नहीं तो आपके पास कितना भी धन दौलत पैसा हो सब बेकार है, सारी खुशियाँ बेकार हो जाती हैं। दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है और मैं आपको सारे लिंक वीडियो के दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर किया करिए दोस्तों। थैंक यू।